दोस्तों मेरा नाम है वान, मैं हूँ 8 साल का। तो दोस्तों चलिए जानते हैं हम लोग पार्ट 2 जो कि आईटी सेक्टर का। मैंने पार्ट 1 बनाया था, अभी परसों ही बनाया था मैंने पार्ट 2 जो है। तो दोस्तों पार्ट 2 जो है अभी हम लोग देखेंगे, हम लोग 7 पॉइंट समझेंगे दोस्तों कि आईटी सेक्टर क्या हमारा फेल हो रहा है। तो दोस्तों चलिए समझने की कोशिश करते कि आईटी सेक्टर क्या हमारा फेल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो दोस्तों मैं आपको फेलिंग वाली चीज़ें ही बताऊंगा जिससे आपको थोड़ा अंदाजा होगा। तो दोस्तों फर्स्ट चीज़ है लैक ऑफ इनोवेशन। तो दोस्तों लैक ऑफ इनोवेशन में क्या है कि हम लोगों के पास बहुत इनोवेशन है, पर मतलब इनोवेशन अलग होता है और R&D अलग होता है। इनोवेशन जो कि बनाता है, R&D बस के जैसा ही होता है पर वो डेवलपमेंट स्टेज पे होता है। तो इनोवेशन, इनोवेट, ठीक है। तो जो R&D होता है वो स्ट्रॉन्ग ही हमारा, इस वजह से जो है लैक ऑफ इनोवेशन है। ये हो गई पहली चीज़ कि R&D जो है स्ट्रॉन्ग नहीं उतना हमारा। R&D बाहर से आता है फिर हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि अगर iPhone बनाएंगे तो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट दूसरी जगह से आएगा फिर हम लोग बनाएंगे। कुछ भी हम लोग करते हैं तो हमारे देश में ज़्यादातर चीज़ें R&D नहीं होती, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। और दोस्तों एंटरप्रेन्योरशिप का बड़ी प्रॉब्लम, एंटरप्रेन्योर जो है दोस्तों है पर एंटरप्रेन्योर जो है ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं इसलिए वजह से थोड़ा कम एंटरप्रेन्योर है हमारे इसमें, जो कि ज़्यादा अच्छे। और बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जो कि ज़्यादा अच्छे नहीं है, मतलब अच्छे हैं, उनको आता है बिजनेस करना पर उस टाइप के बड़े टाइप के नहीं है, ठीक है दोस्तों। जैसे अंबानी अडानी का माइंडसेट रहता है वैसे नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा जो माइंडसेट है वो ड्रेन आउट हो रहा है हमारे इंडिया से। तो दोस्तों ये हो गई एक बड़ी प्रॉब्लम, 2 प्रॉब्लम्स हो गई। तीसरी प्रॉब्लम है कि हमें हाई इलेक्ट्रॉनिक को इम्पोर्ट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक को इम्पोर्ट करना पड़ता है। ये LG, पैनासोनिक, आप व्हर्लपूल सुन लो, आप सैमसंग सुन लो, आप बहुत सारी कंपनीज है, एप्पल सुन लो, आप कोई भी कंपनी सुन लो, वो ज़्यादातर इंडिया में आती है फॉरेन कंपनीज। इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ ही ऐसी कंपनीज है जो कि अभी बढ़ रही, लावा भी अभी ख़त्म हो गई, माइक्रोमैक्स भी ख़त्म हो गई, कौन सी बची, कम ही कंपनीज बची है, बहुत कम बची, बहुत रेयर बची है। इस वजह से दोस्तों हाई इलेक्ट्रॉनिक हमें मंगवाना पड़ता है। यह हो गई हमारी तीसरी प्रॉब्लम दोस्तों। चौथी प्रॉब्लम है स्टेम ग्रेजुएट्स, बहुत सारे ग्रेजुएट्स हैं हमारे पास, ठीक है दोस्तों। तो पर बहुत सारे ग्रेजुएट्स हैं ना, पर उसमें से 100 लोग सेलेक्ट हुए ना, 100 लोगों का जो फाइनल सिलेक्शन होता है ना उसमें से बस 10 ही निकलेंगे, 90 किधर गए पता नहीं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में कि 100 में से 10 ही निकलेंगे तो 90 किधर गए, 90 दूसरी कंपनी में जाएंगे, तो ना 10 कंपनी को फ़ायदा। पर दोस्तों उससे अगर एक कंपनी को फ़ायदा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, इस वजह से जो है जिससे और एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। जैसे कि आप समझो, एक चीज़ मैं बताता हूँ, 10 कंपनीज है और 100 लोग हैं, एक कंपनी में 10 लोग, तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा है या एक कंपनी में 100 लोग, उसके इसमें फ़ायदा है, एक कंपनी में 100 लोग। तो दोस्तों स्टेम ग्रेजुएट जो उनको ज़्यादा नहीं है, मतलब जो है एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा नहीं मिलती दोस्तों को, किधर सेलेक्शन नहीं मिलता, तो इस वजह से जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है दोस्तों। अभी समझते हम लोग दूसरी प्रॉब्लम, अभी हम लोग समझते पाँचवीं प्रॉब्लम है दोस्तों हमारी, जो कि है कि दोस्तों जो कि स्टार्टिंग में जॉब्स में आते हैं जो भी अपने ग्रेजुएट्स होते हैं, तो वो सब लोग जो होते हैं उनको स्टार्टिंग में बहुत कम सैलरी रहती है बड़े बड़ी जगह पे भी, फिर बाद में 10-11 साल बाद जो उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, 1.5-3-4-5-6-7 लाख तक उनकी सैलरी हो जाती है, पर स्टार्टिंग में 3-3 हज़ार तक रहती है बस। तो स्टार्टिंग में जो है ये जो है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, स्टार्टिंग में अगर थोड़ी ज़्यादा दे तो लोग आएंगे और उनको फ़ायदा भी होगा और ज़्यादा पैसे देखते हैं, कोई अपना प्रॉफिट, कोई दूसरे को प्रॉफिट नहीं, सब लोग अपना प्रॉफिट देखते हैं। इस वजह से दूसरे का प्रॉफिट करोगे अगर आप 3 हज़ार से
अगर आप 10,000 तक चला जाओ या 6,000 तक चला जाओ तो लोग ज़्यादा पाएंगे, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। फिर दोस्तों अभी हम लोग सकते हैं 6th पॉइंट, जो कि सेकंड लास्ट पॉइंट है। तो दोस्तों ब्रेन ड्रेन आउट, ब्रेन ड्रेन आउट का मतलब क्या है कि जैसे कि सिंदूर पिचाई है, पराग अग्रवाल, ये तो बड़े बड़े इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज का हैंडल कर सकते, तो हमारी तो इतनी सी कंपनीज को तो ये ऐसे कर लेंगे, चुटकियों में कर लेंगे। तो अगर ब्रेन ड्रेन, ब्रेन जो है लोगों को, लोग हैं वो जो टैलेंटेड लोग हैं वो अगर इंडिया से बाहर निकले तो इंडिया को कोई फ़ायदा नहीं, खोखला हो जाएगा इंडिया। तो इस वजह से दोस्तों ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम, इंडिया में से जो टैलेंटेड लोग हैं, जो इनको कि बिजनेस करना आता है, सुंदर पिचाई की, पराग अग्रवाल, ऐसे बहुत सारे ट्विटर के बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी बाहर जा रहे हैं। तो दोस्तों वो नहीं होना चाहिए, वो बंद होना चाहिए, जिससे कि जो इंडिया में ज़्यादा लोग बिजनेस कर सके, यूनिकॉर्न और डेकाकॉर्न बन सके दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम लोग चलते हैं लास्ट पे, वो है साइबर, जो है फर्स्ट तो है हमारा साइबर का जो हेल्प करते टेक्नोलॉजी को बनाने, वो एक होते हैं, और एक तो होते हैं साइबर डेवलपर्स, वो भी इंडिया से बाहर जा रहे, कम हो रहे धीरे धीरे, कम हो रहे। आईटी में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे पुणे के अंदर, पर जो साइबर वाले लोग हैं जो कि टेक्नोलॉजी को बनाते हैं, टेक्नोलॉजी को समझने में हेल्प करते हैं, वो लोग कम हो रहे धीरे धीरे और बाहर जा रहे हैं। तो इस वजह से ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। तो दोस्तों ये था एक वीडियो पार्ट 2 आईटी सेक्टर का, आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।